मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा वे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। उस काम में लगा भाई को या बड़ी को पांडे केस बहुत जल्दी हुए तो उनके बच्चों को भी होगा। मेरा वैसा ही किस्सा है। मेरे बड़ी को 30 वर्ष की उम्र में पांडे केस हो, मुझे भी अभी पांडे केस हो गए। मुझे कोई बीमारी नहीं है, रोग नहीं है, लेकिन ये जो बीमारी है इसको कहते हैं DNA प्रॉब्लम। हमारे शरीर में एक एसिड है जिसको DNA कहते हैं और ये आई बड़ी से ही आता है। तो जिनके आई बड़ी को ये त्रास है पांडे केस होने का, उनके बच्चों को होगा, उसके लिए दुनिया में कोई औषध काम नहीं करती। जो है वो है, औषध उसके लिए नहीं, बाकी सबके लिए औषध है। अगर आपको जास्ती समय बीमारी हुई है और पांडे केस है, इसकी औषध है। आपके शरीर में मेलानिन कम हो गया किसी कारण से, उसकी औषध है। तो आप एक बात को छोड़कर कि आई बड़े को अगर ये त्रास था, जल्दी पांडे केस हुए, तब तो आप सोचना बंद कर दो, आपको भी होंगे। लेकिन अगर आई बड़े को ये त्रास नहीं है और आपको ये आ गया, तो इसकी सबसे अच्छी औषध है मेलानिन बढ़ाइए शरीर में। मेलानिन बढ़ाने की सबसे अच्छी भारत में जो औषध है उसका नाम है आंवला। आंवला खाइए। अभी बताता। तो आप पहले क्या करेंगे, पांडे केस नहीं चाहिए तो भरपूर आंवला खाइए। कैसे खाएंगे, तरीका मैंने बता दिया। दो आंवले रोज खाना, कच्चा खा लो बहुत अच्छा, चटनी बना के खा लो बहुत अच्छा, आंवले का अचार खा लो, मुरब्बा खा लो, जैसे भी खाना दो आंवले रोज खाना, तो केस पांडे नहीं होंगे, सफेद बाल नहीं होंगे। और जो हो गए हैं वो अपने आप जले जाएंगे और उनकी जगह काले बाल आ जाएंगे। ठीक है, समाधान हुआ, पांडे केस का समाधान हो गया। और पांडे केस नहीं चाहिए तो दूसरा और उपाय है, एक तो ये कि आंवला खाना, दूसरा उपाय है हरे पत्ते की भाजी खाते रहिए तो मेलानिन भरपूर रहेगा। पालक है, मेथी है, चमली है, पत्ता गोभी है, ये सब हरे पत्ते की भाजी खाते रहिए। अब आगे चलते हैं, पांडे केस का समाधान हो गया, केस जलने का समाधान हो गया, डोके रुकने का समाधान। अभी ये ताली ने पूछा कि मेहंदी लगाते हैं वो अच्छा, ठीक है, यही प्रश्न है ना। तो मेहंदी कहाँ से आती है, पेड़ से आती है। मेहंदी का पेड़ देखा है आपने, बस तो जो पेड़ से आई हुई मेहंदी है उसको अगर आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन बाजार से लाई हुई मेहंदी है उसको लगाएंगे तो बहुत खराब। बाजार से लाई हुई मेहंदी की समस्या क्या है, उसमें कुछ केमिकल मिलाते हैं और पेड़ से आई हुई मेहंदी में कुछ मिलावट नहीं है, वो शुद्ध है। तो आपको मेहंदी लगानी है तो पेड़ से तोड़कर लाएंगे, उसकी चटनी बनाएंगे, वो बाद में लगाएंगे। ये ताई का और एक अच्छा प्रश्न, बाजार में जो मेहंदी आती है ना उसमें बहुत कुछ मिलाते हैं, आंवला है, ये शीका ताई है, रीठा है। अगर आपको खातरी है, मानी गारंटी है कि वो आंवला ही उसमें मिलाया है तो ले लीजिए, मुझे गारंटी नहीं, क्योंकि बाजार वाले आंवला बोलकर उसमें बहुत कुछ ऐसा मिला देते हैं जो आंवला नहीं है। तो मेरा आपको एक सजेशन है कि पत्ते पेड़ से मेहंदी के तोड़िए, आंवला आपके घर में है उसको आप खुद मिला लीजिए, आंवला है ना पाउडर बना के मिला लीजिए, तो आपकी जो मेहंदी तैयार होगी
वो बहुत अच्छी। मेहंदी जो है आयुर्वेद में औषध है, और ये औषध सिर के बाल की सबसे अच्छी औषध है। मेहंदी करती क्या है, मेहंदी में कुछ केमिकल है, जैसे कैल्शियम भरपूर है उसमें, आयरन उसमें भरपूर है, तो बाल में लगाओ तो यहाँ कैल्शियम की पूर्ति त्वचा के ऊपरी हिस्से में जाती होने से बाल बहुत मजबूत कर देती है मेहंदी, और थोड़ा उसमें मेलानिन बढ़ाने की भी कैपेसिटी है, तो बाल काले भी हो जाते हैं। और मेहंदी की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है वो ठंडा रखती है, मेहंदी जो है ना बहुत ठंडी है, और ये डोका है ना सिर, ये बहुत गर्म है, हाथ रख के देखो बहुत गर्म है, ये हमेशा ठंडा रहना चाहिए, इसलिए मेहंदी लगाना बहुत अच्छा है। आप लगाइए, कभी लगाएं, सप्ताह में एक दिन जास्ती है, अठवा तुम एक दिन बस जास्ती जास्ती लगाएंगे तो ज्यादा ठंडा हो जाएगा, और ये ज्यादा ठंडा होना तो और एक समस्या आएगी, इसलिए जास्ती ठंडा भी नहीं होना चाहिए, गर्म भी नहीं रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। तो सप्ताह में एक दिन आप मेहंदी लगा सकते हैं, ठीक है, समाधान हुआ, आगे बढ़े, चलो अब आगे। जी जी चलो, दो प्रश्न आ गए इनका समाधान कर लो। पहला प्रश्न आपने पूछा तेल कौन सा लगा, बाल में तेल लगाना अत्यंत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कारण क्या है, अगर बाल सूखे हैं तो ज्यादा घटेंगे, सूखेंगे बहुत, इसलिए तेल की आवश्यकता बहुत है बाल को। अब आप ये पूछे कौन सा तेल लगाना, बाल के लिए सबसे अच्छा तेल है नारियल का, खोपरे का तेल सबसे अच्छा। लेकिन खोपरे का कौन सा तेल, खोपरे का दो तेल आता है, एक बाजार में आता पैराशू, वो खोपरे का तेल नहीं, वो खोपरे के तेल का खुशबू है, खोपरे का तेल नहीं। वो क्या है, लिक्विड पैराफिन नाम का एक केमिकल है, जिसमें खोपरे के तेल का एसेंस डाल के वो बेचते हैं, वो खोपरे का तेल नहीं। तो आप बोलेंगे खोपरे का तेल कहाँ मिलता, बाजार में मिलता, खुला हुआ मिलता, कोकोनट वाला भी वैसा ही है पैराफिन। आप पैकेट वाला मतलब बाजार में जाओ किराने की दुकान से, उसके तो खोपरे का तेल दो, बोलेगा डब्बे में लेके आओ, बाटली में लेके आओ, अपना बाजार से शुद्ध खोपरे का तेल लेके आओ। और शुद्ध तेल थोड़ा महंगा है, 60-70 रुपए किलो आएगा, कभी कभी 90 रुपए किलो भी उसका भाव हो जाएगा। तो अच्छा तेल खोपरे का है बाल के लिए। और एक अच्छा तेल है, नहीं मिले खोपरे का तेल तो एक दूसरा तेल है, तिल का तेल, तिल, तिल का तेल तो समझते हैं आपको। और तिल में दो तरह का तेल आता है, एक काले तिल का तेल और एक सफेद तिल का तेल। जो काले तिल का तेल है वो सबसे अच्छा है, ना मिले तो सफेद तिल का तेल भी ले सकते हैं, तो तिल का तेल ले सकते हैं। पहले लेना खोपरे का, ना मिले तो तिल का। और एक तेल है जो बालों के लिए बहुत अच्छा है, बादाम का तेल, बादाम, बादाम देखा, ये थोड़ा महंगा है, क्योंकि बादाम ही 200-250 रुपए किलो है, तो तेल तो उसका और भी महंगा है। लेकिन जिनके पास थोड़े पैसे हैं वो जरूर इसको वापस सकते हैं, बादाम का तेल। और एक आखिरी तेल जो सिर में वापस सकते हैं, उसका नाम है जैतून का तेल, जैतून एक झाड़ होता है, जैतून उसका नाम है, अंग्रेजी में ऑलिव कहते हैं, उसका तेल भी बाजार में है, वो भी बाल के लिए बहुत। लेकिन प्रश्न वही है, जैतून बहुत महंगा है और बादाम उससे भी ज्यादा महंगा है, ये दो तो महंगे हैं, लेकिन तिल का तेल सस्ता है और खोपरे का तेल सस्ता है, तो खोपरा और तिल का तो कोई भी वापस सकते हैं, जैतून और बादाम का जिसके पास पैसे हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। तेल तो जरूर लगाना, बाल को बिना तेल के रहेंगे तो खराब। अभी आप ये पूछेंगे कभी लगाना तेल,
तो हमेशा तेल रात्रि को लगाना, दिवस में नहीं, कभी भी नहीं। तेल हमेशा रात्रि को लगाना और सोने से पहले लगाना। जब आप सोने के लिए जा रहे हैं तो तेल की मालिश करके तब सोना, और सकाड़ी उठने के बाद आप उसको रीठा की कटाई से धोना। कभी भी तेल दिन में नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? तेल जो है ना आप लगाते हैं उससे ज्यादा उसकी मालिश होनी चाहिए। मालिश होने से क्या होता है ना, कफ की कमी होती है शरीर में, और रात को शरीर में कफ ज्यादा होता है। तो आयुर्वेद ये कहता है कि जब कफ ज्यादा है उस समय सिर की मालिश करो तो कफ कम हो जाए, तो नींद अच्छी आती है। शरीर का तापमान संतुलित रहता है, शरीर का विकास और ग्रोथ बहुत अच्छा रहता है, इसलिए रात्रि को तेल लगाना सबसे अच्छा है। बच्चों को भी, बड़ों को, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपने कोई प्रश्न पूछा था, मैं भूल गया था, क्या पूछा आपने? डैंड्रफ। हाँ, अभी डैंड्रफ का क्या करना? तो डैंड्रफ के लिए शैंपू तो लगाना नहीं, क्योंकि बात खत्म हो गई है, शैंपू तो वापरना ही नहीं। तो डैंड्रफ जिनको है उनको क्या करना चाहिए? इसके लिए बहुत अच्छी औषधि है स्तनपान करना, नींबू का रस, नींबू का रस, नींबू काटिए, रस निकालिए, एक कटोरी में या बाटी में रस निकालिए, फिर उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला दीजिए, गुड़ नहीं है तो शक्कर मिला दीजिए, शक्कर, नींबू के रस में शक्कर मिलाना। अब कितनी मिलाना? चार नींबू का रस निकाला तो एक चम्मच शक्कर मिला दीजिए। इसको मिलाने में देर लगती है, धीरे 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 उसको घोलते। अभी नींबू के रस में शक्कर मिला के जो घोल तैयार हुआ ये बाल की जड़ में लगाना, ठीक है। लगाने के एक तास नंतर बाल को धोना, सादा पानी से बाल धोना, तो आपका सारा डैंड्रफ समाप्त। जी कितने दिन लगा? सप्ताह में एक दिन बस, हमेशा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब डैंड्रफ बंद हो गया तो लगाना बंद कर देना। समाधान हुआ? आगे चले, अब आगे चलते हैं। और कोई प्रश्न है? क्या बोलेंगे? गोलियां किसके लिए? ओ, वो गोली भी वही है, फॉलिक एसिड की गोली है, विटामिन बी की गोली है, तो आप वो गोली खाएंगे, बहुत खर्चा है, लाभ उसका जाती नहीं है, उससे अच्छा दूध पी लो। गोली का जितना पैसा है ना उतने पैसे का दूध पी लो, दही खा लो, साग पी लो, चूना खा लो, उससे ज़्यादा लाभ है। एलोवेरा बहुत अच्छा। अब देखिए ये टाइम में सवाल कर दिया तो बहुत अच्छा होगा। एलोवेरा अगर आपके घर में है, एलोवेरा पड़ते हैं ग्वार कोरपट, हिंदी में ग्वार पाठा, मराठी में कोरपट, ये घर में है तो ये बालों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें भरपूर कैल्शियम। क्या करने का? इसका कोरपट का पत्ता तोड़ने का, काटने, जैसे ही काटेंगे ना उसमें से रस निकलता है, ऐसे करके लटकाओ तब 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 रस निकलता है। उसका ऊपर से पाना छील दो तो और जाती रस निकलता है, उसको पीस लो तो सारा रस निकलता है। ये रस बाल में लगाने का, तो इसके तीन लाभ हैं। एक तो थोड़ा खत्म, माने डैंड्रफ बिल्कुल खत्म, बाल बहुत मजबूत और बाल एकदम काले, और ये कोरपट जो है ना इसका रस डोके को बहुत ठंडा रखता है, तो डोके का दर्द भी मिटा देता है अगर बाल में लगाओ। ये घर में होना, बाजार से खरीद के लाएंगे तो बहुत महंगा, 300 रुपए 400 रुपए लीटर। घर में लगाना, कोरपट तो लग जाता है, मुफ्त में आता है,
किसी के भी घर से थोड़ा काट के लाओ जरा दो और गमले में लग जाता है, बड़ा स्थान नहीं चाहिए, तो इसको रखिए घर में आप, वो पर बहुत अच्छा है बालों के लिए, और मैं बाद में बताऊंगा बहुत काम में आएगा बालों के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन इसको भी 8 दिन में एक बार ही वापरना जाते हैं। अब ऐसा आप कुछ नियम बनाओ, 8 दिन में एक बार मेहंदी वापरना, 8 दिन में एक बार कोरपट का रस वापरना, 8 दिन में एक बार नींबू के रस में शक्कर लगा के वापरना, ऐसे करके एक साइकिल बना लो हर 8 दिन में, तो केस आपके बहुत ही अच्छे हैं। हाँ तो सिर में कुछ बांध के सो जाना, सुगंध धो लेना, ठीक है। ये बाल जो जिगजैग होते हैं राउंड होते हैं उनको सीधा करने के लिए, उनको सीधा मत करिए जैसे है करने की, क्योंकि भगवान ने तो सोच के बनाया है उसको बदलिए। भगवान की बनाई हुई कुछ लोगों की प्रतिकृति ऐसी है जिनके बाल ऐसे गोल गोल होते हैं, उसको बदलने की कोशिश मत करिए, जैसे है वैसे रहिए। आगे चले या और कोई प्रश्न है? हाँ जी, हाँ चलेगा। तिल का तेल खाने का नहीं लगाने का, खाएंगे तो उष्णता बढ़ेगी, लगाने का नहीं करो जी। मुझे एक माइक से बोलो आप। हाँ, एक बाल में दूसरा बाल आता है, ये क्यों होता है? देखिए अगर किसी के भी शरीर में बाल कहीं घूम कर आएगी, कैल्शियम बहुत कम हो गया, आयरन बहुत कम हो गया, रक्त बहुत कम हो गया, तो उनके एक बाल में दो बाल ऐसा होगा। तो इसको क्या करना है, एक ही उपाय है, खान पान अच्छा कर दीजिए, दो बाल नहीं होंगे, स्प्लिट नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, एक बाल में दो बाल नहीं है। जी करने से क्या होता है? हेयर डाई का केमिकल माहिती है? क्या केमिकल है उसमें? केमिकल का नाम लिख लो, हेयर डाई में केमिकल क्या है? सिल्वर नाइट्रेट एक केमिकल है, वो हेयर डाई में आता है, माने बिना सिल्वर नाइट्रेट के हेयर डाई नहीं बनता, और ये सिल्वर नाइट्रेट आंखों की सबसे खतरनाक केमिकल माना जाता है। एक फिल्म भी आंख में चला गया, एक फिल्म तो जिंदगी भर के लिए आंख के लिए। सिल्वर नाइट्रेट पेट्रोल खत्म क्या? नहीं, लाइट आ गई, लाइट आ गई, हाँ आती जाती रहती है। हाँ, हेयर डाई की बात आई थी, हेयर डाई जो बनता है वो एक केमिकल से, उसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट, ये केमिकल इतना खराब है कि एक फ्रेम भी आंख में गिर जाए तो जीवन पर्यंत आंख चली जाए। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कभी भी हेयर डाई नहीं कर, कितनी भी अच्छी कंपनी की है, वो गोदरेज की रहे या हिंदुस्तान लीवर की, हेयर डाई सब एक ही जैसी केमिकल है, बाल तो जल्दी रहेंगे, आंख भी चली जाएगी। काली मेहंदी, काली मेहंदी मारे अगर आपके घर में है पत्ते के रूप में तो बहुत अच्छा है, बाजार से बनी हुई अच्छी मेहंदी, आप घर में मेहंदी का पेड़ लगाओ, झाड़ लगाओ, उस पर से मेहंदी के पत्ते तोड़कर चटनी बनाकर उसको खाओ। आगे बढ़े या उनको भी प्रश्न? आगे बढ़े, अभी लोगे उतना हो गया, केश जलने का हो गया, पांडर केश का हो गया, डैंड्रफ का हो गया, अभी आगे बढ़ते हैं आंखों पे आ जाते हैं। वो खोबरे का तेल आता है ना बाजार से, लूज वाला, उसका बास आता है, ऐसी खराब बास आती है, थोड़ा दिन रहेगी तो खोबरे का तेल, खोबरे का तेल अगर शुद्ध करेंगे तो कुछ बास आने वाली, और तेल की बास उसका सद्गुण है, दुर्गुण नहीं है। अभी क्या हो रहा है कि उस बास को खत्म करने के लिए जो केमिकल डाले जाते हैं वो केमिकल खतरनाक, इसलिए बास वाला तेल ही अच्छा है, बात से घबराने का नहीं।
अभी आंखों के जोड़े के त्रास, आंखों की समस्या सबसे ज्यादा आजकल क्या है, मैं देखता हूं कि बहुत छोटे छोटे बच्चों को चश्मे हैं, ये सबसे बड़ा त्रास। रोशनी कम हो गई, नजदीक का नहीं दिखता, दूर का नहीं दिखता, इसके लिए बीमारी होती बाल जाते हैं, जिनको बीच में कोई बाल निकल गए हैं और आजू बाजू में बाल है उसकी सबसे अच्छी ऑप्शन है, मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना एलोवेरा रस, कोरपट का रस, कोरपट का रस जहाँ से बाल चले गए वहाँ मालिश करिए, एक तास दो तास के बाद उसको पानी से धो दीजिए तो नए बाल आ जाएंगे। और इसका एक उपाय है, देसी गाय का मूत्र वहां पर मालिश करिए जहां चारी पड़ गए, और एक तास के बाद फिर पानी से धोइए तो नए बाल आ जाएंगे। और तीसरा उपाय है आंवला खाइए तो भी बाल आ जाएंगे। अभी आंखों की तकलीफ पर हम बात कर रहे हैं जी, पुरुषांच्या वयोमानानुसार केस गाळले तर परत येत नाहीत आणि महिलांचे मात्र कायम येत राहतात, पुरुषों में महिलाओं की तुलना में बहुत कमी है, पुरुषों के शरीर में कमी है, भगवान ने पुरुषों को बहुत सारी चीजें कम दी हैं, उनमें से एक है मिलेनियम, पुरुषों का मिलेनियम स्त्रियों की तुलना में हमेशा कम रहता है और पुरुषों का मिलेनियम स्त्रियों की तुलना में जल्दी समाप्त भी होता है, इसलिए हमेशा पुरुष ज्यादा टक्कर होते हैं स्त्रियों की तुलना, तो ये प्रकृति का ऐसा कुछ नियम है, तो अब वो है तो है, उसको स्वीकार करना ही ठीक है, उसमें कोई औषध नहीं है उपचार में, क्योंकि वो बॉडी में है ही नहीं मिलेनियम, और मिलेनियम आप पैदा नहीं कर सकते, जो है उसको बढ़ा सकते हैं लेकिन पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो भगवान का दिया हुआ है, आप बाहर से इंजेक्शन के द्वारा नहीं डाल सकते, तो ये ऐसी स्थिति है, स्त्रियों में मिलेनियम ज्यादा है ही पुरुषों में कम है, इसलिए स्त्रियों के बाल ज्यादा समय तक ठीक रहते हैं, पुरुषों के बाल जल्दी समाप्त हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंखों के रोग, हाँ अब एक एक करके बात करेंगे, आंखों के रोगों में सबसे बड़ा रोग है चश्मा, इसका क्या उपाय, जो छोटे बच्चे हैं जिनको चश्मा है जिनका उम्र अभी कम है तो उनके लिए बहुत सरल और आसान उपाय है चश्मा हटाना, तो इसके लिए दो काम करना है, एक तो आपको आंवला खाना, गाजर खाना, दूध जास्ती पीना, दही और ताक जास्ती और तूप जास्ती खाना, दूध दही ताक तूप जो भी मैं बोलूंगा सब जाएगा, तो एक तो ये उपाय करना है, क्योंकि आंखों पे चश्मा आने का सबसे बड़ा कारण है हमारे शरीर में एक विटामिन है उसका नाम है विटामिन ए, ये यदि बहुत कम होता है तो आंखों में चश्मा जरूर आता है। अब विटामिन ए की कमी हो गई तो इस विटामिन की सबसे जास्ती पूर्ति होती है वो दूध से, दही से, ताक से, लोमी से, तूप से और आंवले से, कितनी चीजों से विटामिन ए भरपूर मिलता है, तो इसका ज्यादा उपयोग करना। दूसरा क्या करना है, सकाळी सोकर जब उठते हैं ना तो मुंह का जो लार होती है ये आंखों में काजल की तरह से लगाना, बासी लार नहीं, ब्रश करने से पहले ब्रश कर लिया तब तो वो निकल जाए, तो सुबह उठते ही मुंह की जो बासी लार है वो आंख में लगाना काजल के जैसा, एक तास नंतर आंखों को धोना, ये दूसरा उपाय। और तीसरा और आखिरी उपाय है, रात्रि को सोने से पूर्व देशी गाय का मूत्र एक एक फेम आंख में डालना,
काम करना है, पहला तो आपको विटामिन ए से भरपूर वस्तुओं को खाना है। उसमें क्या है, दूध, दही, ताक, लोमी, दूध, भरपूर विटामिन ए है। दूसरा विटामिन ए भरपूर आंवले में है, और एक विटामिन ए की चीज है गाजर, ये बहुत विटामिन ए से भरपूर। ये दासी गाजर खाओ, गाजर का रस पियो, आंवला खाओ, आंवले का रस पियो, दूध दही ताक जाति खाओ, तो आंखों का चश्मा उतरेगा। दूसरा उपाय है सकाड़ी, जैसे आप सोकर उठे तो मुंह का जो बाकी लार है ये आंख में काजल की तरह से लगा, तो चश्मा उतरेगा। और तीसरा और आखिरी उपाय मैंने बोला था, रात्रि को सोने के पूर्व देशी गाय का मूत्र एक एक आंख में डालना, और गाय की बछड़ी का डालेंगे तो जाती अच्छा, तो आपका चश्मा उतरेगा। और चश्मा ही नहीं उतरेगा, क्या क्या हो जाएगा, जैसे ये ताइया ने सवाल पूछा था, आंखों में पानी आता है, पानी आना 3-4 दिन में ही बंद हो जाए गोमूत्र डालने से, और बासी लार आंख में लगाने से। और क्या ठीक होगा, आंखों में अगर किसी को मोतिया बिंद आ गया कैटरेक्ट, वो 3-4 महीने में निकल जाएगा। आंखों में जाला पड़ गया किसी को, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आंखों में अगर किसी को ग्लूकोमा हो गया काला पानी, वो भी ठीक हो जाएगा। आंखों में छोटी छोटी वो फुंसी आती है ना, वो हेवी कहते हैं उसको, इसका ही हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, वो बिल्कुल आना बंद हो जाएगा। आंखों में पानी नहीं आएगा, आंखों में जलन नहीं होगी, आंखें लाल नहीं होगी, कभी भी आंखों में थकावट नहीं आएगी, रात्रि पड़ते समय त्रास नहीं होगा। ये सब आंखों का त्रास 3 चीजों से ठीक हो जाए, नहीं ताजा रोज का रोज ताजा मूत्र जो है ना, वो सकाड़ी का संध्याकाली तो चलेगा, एक दिवस अंतर नहीं चलेगा आंख के लिए, क्योंकि आंख जो है ना बहुत सेंसिटिव है, इसको ताजा मूत्र ही चलता है। हो गया आंखों का त्रास, हाँ, तो आप पहले चश्मा ठीक करने का मतलब है आपकी आंखों की जो फोकल लेंथ है वो बदल गई, और ये बदलने का कारण है शरीर में कुछ कमी आ गई, कमी की पूर्ति करिए, चश्मा उतर जाएगा। हाँ जी, ऑपरेशन के बाद गोमूत्र डालो तो चलेगा, बहुत उपयोग तो नहीं आएगा लेकिन थोड़ा तो काम करेगा जी। 40 दिन अंतर तक चश्मा जाता था, बिल्कुल जाएगा, 60 तक जाता, 60 के बाद का नहीं जाएगा। 60 के बाद का वही समस्या है कि बॉडी में परमानेंट विटामिन ए बनना ही बंद हो जाता है, तो 40 नहीं 60 वर्ष तक का चश्मा जाता है, हाँ खुजली चली जाएगी। और कोई प्रश्न आंखों के लिए, आंख के लिए कोई प्रश्न नहीं, आगे चले। आँख में क्या वेल्डिंग का धुआं लगे तो, अच्छा वेल्डिंग का धुआं लग जाए आँख में तो क्या करना, तुरंत दो काम करना, पहले तो आँख को धोना ठंडे पानी से तुरंत धोना, और धोने के बाद गुलाब जल आता है गुलाब पानी रोज वाटर, उसके दो दो ड्रेन डाल देना, फिर अगले दिन गोमूत्र डाल देना, उसी दिन मत डालना अगले दिन, तो उसके बाद 3-4 दिन में लगातार गोमूत्र डालने से बिल्कुल ठीक। गोमूत्र पीने से फायदा होता है क्या आपको? आंखों को पीने से नहीं डालने से डालने का फायदा, पीने से पोट को फायदा है, डालने से आंख को फायदा, हाँ उसके लिए भी यही। आप अगर बाकी लाल को आंखों में लगाइए तो जोड़े जिसको आते हैं ना लाल हो जाते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, थोड़ा गोमू पेट के फ्रेम डालेंगे तो भी बिल्कुल ठीक होता है। आंखों के बाद कान की बात करें, कान के त्रास, आपको जिंदगी में कभी भी त्रास ना हो इसके लिए दो चीजें याद रखना, जिनको त्रास है उनके लिए तो मैंने बोल दिया, भविष्य में कभी भी त्रास ना हो तो आंवला खाते रहना, गाजर खाते रहना, गाय का दूध दही लोई तू सब खाते रहना, और एक काम करना, सुबह सुबह उठकर बासी लार आंख में लगाते रहना। जब आप मुंह धोते हैं ना तो मुंह धोने से पहले मुंह में पानी भरना,
फिर आपको ये रोज करते हैं तो आपको को जीवन में कभी भी प्राप्त नहीं। आगे चलते हैं कान का त्रास। अभी कान का त्रास क्या क्या है? एक तो कान में से लस्सी निकलती है, बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है, बड़ों को भी होता है, कान में दर्द भी होता है, कान का दर्द है, कान में से लस्सी निकलती है, कान में कम सुनाई देता है। ये तीन त्रास तो बहुत लोगों को है, ये तीनों त्रास की एक ही औषध है, तीनों त्रास की एक ही औषध है, देशी गाय का मूत्र एक एक टेम कान में डालना। पानी आता है ना, देशी गाय का मूत्र एक टेम कान में डालना। तीन दिवस अगर सतत डाल दिया, चौथे दिवस पानी आना बंद। कान कम सुनता है, कान में से पानी आता है, कान में से लस निकलती है, कान में दर्द होता है, ये सब त्रास जितने हैं उसकी एक औषध देशी गाय का मूत्र एक एक टेम कान में डाल। वो डॉक्टर की छोड़ दो, वो तो बहुत कुछ कहते हैं, वो तो कहते हैं आंख में भी कुछ लगाना नहीं कहते ना, और आंख में तो काजल नहीं लगाएंगे तो मोतियाबिंद जरूर हो जाए। आंख जो है ना कफ का स्थान है, और कफ जब बढ़ता है तो मोतियाबिंद आता है। कफ को रोकने के लिए काजल सबसे आवश्यक है, काजल माने कार्बन, जला हुआ कार्बन, यही कफ को रोकता है, तो ये तो बहुत आवश्यक है। बच्चों को बचपन से आप काजल नहीं लगाएंगे ना, बहुत जल्दी चश्मे चढ़ेंगे उसका बच्चों। अब ये डॉक्टर जो बोले हैं वो एलोपैथी के हिसाब से बोलते हैं, वो गलत नहीं बोलते। उनकी जो एलोपैथी है वो अमेरिका और यूरोप में से आई है। अमेरिका और यूरोप है वो बहुत ठंडे देश हैं दुनिया में, ठंडे देश में जो औषध बनेगी वो गर्म देश के काम की नहीं है, जो गर्म देश में होगा वो ठंडे देश के काम करेंगे। अमेरिका और यूरोप बहुत ठंड देश, -40 डिग्री तापमान है, वहाँ के लिए जो चीज औषध है वो हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ +40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। तो वो जो बोलते हैं वो अमेरिका यूरोप के लिए बराबर है, वहां के बच्चों को आंख में कुछ भी लगाएंगे तो त्रास होगा, भारत के बच्चों को नहीं लगाएंगे तो त्रास। समझना कान का हुआ, क्या करना है, गाय का मूत्र एक एक टेम कान में डालना, पानी निकलेगा तो, लस्सी निकलेगी तो, दर्द होगा कान में तो, कम सुनाई देता है, चारों स्थिति। आगे चले नाक, प्रश्न तो नहीं कान का कोई, नाक जी वो गल अपने आप निकलेगा, कैसे निकलेगा, भोजन को चबा चबा के खाएंगे तो कान का गल सब निकल जाता है, निकालना नहीं पड़ता, वो अपने आप निकलता है। गाजर है ना, गाजर रोज उसको चबा के खाइए तो सबसे ज्यादा कान का गल निकलता है। फुटाने, फुटाने चबा चबा के खाइए, दारू चबा के खाइए, फिर ये शेन दाना वो चबा के खाइए, चबा के कोई भी चीज खाएंगे कान का गल अपने आप निकल जाए, निकालना नहीं पड़ता। हाँ पर्दा फट गया है तो उसके लिए औषध लेना पड़ेगा होम्योपैथी का, जिनका पर्दा फटा है वो मुझे अलग से बात करें, क्योंकि वो ये सामान्य बात में शामिल नहीं। आगे चले नाक के रोग, अभी नाक के क्या क्या रोग है, सबसे जाती सर्दी जुकाम, फिर नाक में लोग कहते हैं हड्डी बढ़ना, पॉलिप होना, साइनोसाइटिस, साइनस, ये सब नाक के रोग है ना। इनकी दो औषध सबसे अच्छी, नाक के सभी रोगों की, सर्दी होती है, जुकाम होता है, बार बार सर्दी, बार बार जुकाम, नाक में हड्डी बढ़ गई, पॉलिप हो गया, इन सब की सबसे अच्छी औषध है गाय का दूध, कोकट गरम करके, हल्का गरम करके नाक में रात्रि को डालना सोने के पहले, गाय का दूध हल्का गरम करके कोमल एक एक खेल दोनों नाक में डालना कभी सोने के पहले।
ले लिया, गाय का तू थोड़ा गर्म करके, हल्का गर्म कोमल, एक एक फेर दोनों नाक में डाल, तो नाक की क्या क्या समस्या ठीक होगी, सर्दी खत्म, जुकाम नहीं होगा, छींक नहीं आएगी, बार बार नाक से पानी नहीं निकलेगा, नाक में हड्डी बढ़ गई तो कम होगी, पॉलिप हो गया, मांस बढ़ गया तो कम होगा, नाक कभी बंद नहीं होगी। और सबसे अच्छी एक बीमारी खत्म होती है, रात को जब सोते हैं ना और नाक बजती है और इतना तेज आवाज होता है कि पड़ोसी सुनता है, सोने वाले को माहिती नहीं है, ये नाक बजना बिल्कुल बंद हो जाए। एक एक टेन का क्या तू मूत्र नहीं, तू नाक में हमेशा तू, कान में हमेशा मूत्र, आंख में मूत्र, कान में मूत्र, नाक में तू, तो नाक की ये सब बीमारी थी। एक और हो जाए स्वप्न नहीं पड़ता ना, नाक में टूट डाला, खराब स्वप्न नहीं आते, अगर नाक में झोंक बहुत अच्छी होती है। अच्छी झोंक का पता है लक्षण क्या है, स्वप्न नहीं होना तो अच्छी है, अगर स्वप्न होते हैं झोंक अच्छी नहीं, स्वप्न नहीं है तो झोंक अच्छी, अच्छी झोंक के लिए तू सबसे अच्छी, ठीक है। नाक का हुआ, आगे चले, आगे चले या विश्रांति ले, विश्रांति आप कुछ पूछ रहे, रात्रि को नाक चौक होता है तो नहीं होगा, तूप डालेंगे बिल्कुल खुल जाएगा नाक, दोनों नाक से बराबर सब बहुत अच्छी होगी, नाक में तूप डालेंगे मिर्गी का रोग कभी नहीं आ सकता, मिर्गी आता है ना, मिर्गी सोते रहेंगे कभी भी अर्धांग वायु नहीं हो सकता, पैरालिसिस नहीं हो सकता, नाक में टूब डाल के सोने से कम जिंदगी में 50 रोग नहीं आ सकते, बाल कभी पांडरे नहीं होंगे, नाक में टूट डाल के सोएंगे बराबर काले नहीं, बाल कमजोर नहीं होंगे, जल्दी गलेंगे नहीं, टूटेंगे। तो जो लोग स्वस्थ हैं आप में से कुछ सब तो गांव से ही आए हैं ना, तो आपके लिए ही बोल रहा हूँ, शहर वाले मरने दो उनको, कौन सी टाइप का प्रश्न है, भैंस का टूट नहीं डालना, ताई बहुत तकलीफ हो जाएगी, जब भी तूप डालना तो गाय का ही डालना, नहीं मिलता है तो क्या उपाय करना, उसका उपाय ये करना कि आपके शहर में कोई डेयरी है, वो गाय का दूध अगर देती है तो वो दूध का दही बनाना, दही बना के उसमें से लोनी निकालना, लोनी निकाल के तूप बनाना, वो डालना, उसका उपाय ये, नहीं तो ताई एक गाय लेना, अभी कार ले सकते हैं तो गाय भी ले सकते हैं, मोटरसाइकिल ले सकते हैं तो गाय भी ले सकते हैं, अभी शहर वाले कितने मूर्ख हैं, मैं शहर वालों को कहता हूँ पढ़े लिखे इडियट, वो घर में कुत्ता लेते हैं, गाय नहीं लेंगे, हाँ कुत्ता रखेंगे, गाय नहीं रखेंगे, और कुत्ता क्या त्रास करता है, जब देखो टांग उठा के कहीं नहीं मुंह देगा, और सूख कर जरूर मुटेगा, जो अच्छी जगह है वहां जाकर मुंह देगा, कहीं पर भी संडास कर देगा, उसको साफ करने के लिए तैयार है, गाय ले लाते, कुत्ता ले गया, कुत्ते को रोज साकल बांध के टहलने के लिए जाते हैं, टहलने के लिए, अरे गाय ले लो भाई, ये कुत्ते से तो कुछ होने वाला नहीं है, सारा सामान ही कुत्ते जैसा हो गया है, अभी हमको गाय जैसा सामान करना, तो चाहिए अगर मिल जाए तो एक गाय ले लो, घर के सामने रखो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले त्रास देंगे तो आप मुझे बोलना, मैं आपके लिए मुकदमा लड़ूंगा, हाँ मैंने बहुत शहरों में मुंबई में मुकदमे लड़े हैं, कैसे खाना सरकारी मनुक्का को पानी में डालना, एक गिलास पानी में 10-15 मनुक्का डालना और सकाली डालना, रात्रि को सोने से पूर्व उसको मनुक्का को चढ़ा के खाना,
और पीछे से वही पानी की। तो जिनको भी मुंह आता है बार बार तो उनकी बीमारी है, ये बिल्कुल ठीक है। और इसी मनुक्का को खाने से और एक बीमारी ठीक होती है, वो मुंह की तो नहीं है, संडास के स्थान पर यदि घाव हो जाता है, पाइंस जिसको कहते हैं, मोड़ गया जिसको आप कहते हैं, मोड़ गया बवास की बगंदर, वो भी इसी से ठीक होता है मनुक्का। तो तोड़ आने का बीमारी जिस वस्तु से ठीक होता है उसी से मोड़ गया बवासी बगंदर भी ठीक होता है, दोनों मनुक्का से ठीक होता है। खाने का तरीका एक ही है, सरकारी मनुक्का को पानी में डालना, 10 से 15 मनुक्का, काला वाला मनुक्का हो तो अच्छा है, रात्रि को सोने से पूर्व चबा चबा के खाना, पीछे से पानी पीना जितना मनुक्का डालना, ये एक उपाय है। दूसरा उपाय है कि सरकारी जब आप सोकर उठते हैं तो सबसे पहले पानी पीना, तो धोने का नहीं, पहले पानी पीना और कम से कम 3 गिलास पीना, नंतर संडास घर में जाना, पहले पानी पीना फिर संडास घर में जाना, तो भी मुंह में तोड़ आना बंद हो जाता सारा समस्या इसके अंदर जाता है। कई लोग कहते हैं ना गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, गर्मी, जिनको गर्मी लगती है उनका भी ये उपाय, उनको बोलो सुबह सोकर उठे सबसे पहले 3 गिलास पानी पिए, नंतर संडास घर में जाना। तोड़ आने की जो समस्या है वो पोर्ट की जुड़ी हुई है, यदि पोर्ट आपका साफ नहीं होगा तो बार बार तोड़ आएगा, पोर्ट साफ होना चाहिए, उसी के लिए मनुक्का है, उसी के लिए पानी पीने का नियम, ठीक है। और एक समस्या है पिंपल्स, ये जो पिंपल्स है ना ये भी समस्या पोर्ट की है, दिखाई देती है चेहरे पर, समस्या पोर्ट की, जिनको पिंपल्स बहुत है की मुहासे बहुत है उनको मान लेना, जान लेना चाहिए कि उनका पोर्ट साफ है, तो उनके लिए भी यही उपाय है। क्या करना, मनुक्का खाना और सरकारी रूप से ही पानी पीना, 3 गिलास, तो की मुहासे पिंपल सब ठीक है। और ये पिंपल्स के लिए की मुहासे के लिए एक औषध और है, लगाने के लिए, खाने के लिए नहीं, पुदीने के पत्ते की चटनी रात को चेहरे पे लगा के सो, पुदीने के पत्ते की चटनी रात को चेहरे में लगा के सो, सुबह उठकर चेहरे को पानी से धोना, ठीक है। कोई प्रश्न? हाँ जी बोलिए, अभी मैं बताता हूं, अभी का जो दो उपाय बताया इसमें प्रश्न कोई है? हाँ, इनका प्रश्न है कि मुंह से बात आती है उसके लिए भी यही उपाय है, जिनको मुंह से बात आती है सुबह उठते ही 3 गिलास पानी पिए, संडास घर में जाएंगे, कोर्स साफ होगा, बात आने पर, और रात को मनुक्का खाते सोएंगे मुंह से बात आना बिल्कुल बंद, ठंडा पानी के लिए नहीं, ठंडा पानी कभी भी नहीं पीना है, सुबह उठते ही ठंडा पानी नहीं, मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हैं, फ्रिज का पानी नहीं, बर्फ का पानी बिल्कुल नहीं, मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हैं गर्मियों में, जब शियारा आएगा तो कोकट पानी पीना, हल्का गर्म करके पानी, और जब भी पाउस का समय आएगा ना बारिश का तो ताम्र पात्र का रखा हुआ पानी पीना, ताम्र पात्र माने तांबे के भांडे में पानी रात को रख के सुबह उठ के पीने का, नंतर संडास में जाने का, तो मुंह से बात आना बंद होगा, तोड़ आना बंद होगा, मुंह घटना बंद होगा, ये होठों के नजदीक कभी क्रैक्स नहीं आएंगे, सतत लार अच्छे से बनेगी, सारा शरीर आपका फ्रेश रहेगा।
पिंपल्स नहीं होंगे, मुहासे नहीं होंगे, ये सब बीमारियां हैं। आंखों के नीचे डार्क सर्कल कभी नहीं आएंगे, चेहरा कभी सूखा हुआ नहीं रहेगा, बहुत फ्रेश है। कोई प्रश्न? इसके लिए दो चीजों का हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी गार पानी मत पीजिए, ठंडा पानी। दांत को सबसे ज्यादा त्रास होता है गार पानी से, कभी भी गार पानी मत पीजिए तो दांत खराब नहीं है। दांत को दूसरा त्रास होता है चाय और कॉफी से, बहुत त्रास होता है। चाय कॉफी बहुत गर्म है, गार पानी बहुत ठंडा है। दांत को अति ठंड और अति गर्म दोनों ही वस्तुएं हानिकारक है, तो चाय कॉफी बंद करिए। फिर आप बोलेंगे क्या पीने का है, दूध पीने का, ताक पीने का, उसका रस पीने का, नींबू के शिकंज पीने का, नारियल का पानी, चाय कॉफी नहीं। चाय कॉफी भारतीय नागरिकों को पीने के योग्य नहीं, चाय कॉफी यूरोप और अमेरिका के लिए बहुत अच्छा है, औषधि के रूप में है, हमारे लिए वो विष है, क्योंकि हमारे देश में गर्मी बहुत है और चाय कॉफी बहुत गर्म है। सबसे गर्म दुनिया में अगर कोई वस्तु है तो चाय और कॉफी, शराब से भी जाती गर्म, शराब गर्म है उससे भी जाती चाय कॉफी गर्म। तो आप गर्म देश में रहते हैं, गर्म देश में क्या होता है, ब्लड प्रेशर जाती रहता है हमेशा, चाय कॉफी पियेंगे और जाती हो जाता है, और जाती ब्लड प्रेशर से मैंने बोला 78 रोग आते हैं। ये जाती ब्लड प्रेशर का और एक रोग है जो मैं बोलना भूल गया, बवासीर, भूल गया, भगंदर, फाइल्स, हेमरॉइड्स, ये ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद के रोग, और ये चाय कॉफी बहुत ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, इसलिए चाय कॉफी आप बिल्कुल मत पीजिए। चाय की जगह पीना है तो दूध पीजिए, दूध ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है, और दूध जो है ना गर्म नहीं है, दूध की तासीर ठंड है, दूध शीतलता देता है शरीर, चाय कॉफी गर्म करती है, तो इसलिए गर्म चीज ज्यादा मत करिए। तो चाय कॉफी से दांत भी अच्छे रहेंगे, शरीर भी अच्छा रहेगा। अब दांत अच्छे रखने के लिए और एक काम हमेशा करना है, दैनिक रूप से डेली प्रतिदिन भोजन करने के बाद दांतों को साफ करें, जेवन लंकर। कैसे साफ करना, उंगली से साफ कर, मुंह में पानी भरना, ऐसे ऐसे साफ करके पानी को ठीक करना, या तो पी भी सकते हैं। हर भोजन के बाद, हर जेवन के बाद दांतों को साफ करना जरूरी है, क्योंकि भोजन के जो अन्य कण है दांत में अगर फंस गए तो फिर वहीं पे सड़न और दुर्गंध आएगी, फिर दांत खराब है, इसलिए जेवन अंतर दांतों को साफ करना। साफ करना है तो उंगली से करना, ब्रश नहीं। ब्रश से क्या होगा, ब्रश जो है ना प्लास्टिक का है, ब्रसल्स है, वो सुई की तरह से चुभते हैं दांत के ऊपर जो मसूड़े हैं, गम्स हैं, गम्स बहुत कमजोर हो जाते हैं ब्रश घुसने से। गम्स कमजोर होंगे तो दांत कमजोर होंगे, दांत कमजोर होंगे तो कुछ भी नहीं खा सकते, इसलिए ब्रश नहीं करना कभी, उंगली से दांत साफ, भोजन अंतर ये होना। और सकारी जब भी आप सुबह उठ गए, पानी पी लिया, दंतर संडा घर में गए, वापस आ गए, अभी आपको दांत साफ करना है तो दंत मंजन से करना, टूथपेस्ट में दंत मंजन, दंत मंजन माने लाल दंत मंजन, काला दंत मंजन, भीको गजदंती, डाबर, दंतनाशक, दंत मंजन के दांत के स्थान। और दंत मंजन से भी अच्छी चीज है कड़ू लिंबा की काढ़ी, टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री, साइड इफेक्ट नहीं है, कर्क रोग होता है मुंह का, माउथ कैंसर टूथपेस्ट नहीं होता, क्योंकि टूथपेस्ट में जो केमिकल है ना सोडियम लॉरेट सल्फेट, ये कैंसर करता है। इसलिए अमेरिका में दांतों के जो डॉक्टर हैं उनकी एक संस्था है, उसका नाम है अमेरिकन डेंटिस्ट एसोसिएशन, वो जाहिरात करते हैं टीवी पर, और जाहिरात में बोलते हैं डोंट यूज टूथपेस्ट, माने टूथपेस्ट वापर मत करो, ऐसा जाहिरात आता है। तो मैं बहुत बार अमेरिका जाता हूँ तो मैं वहां के डॉक्टर को पूछता हूँ, आप बोलते हैं टूथपेस्ट मत करो, फिर क्या करो, तो वो बोलते हैं ब्रश करो, पेस्ट मत लगाओ, खाली ब्रश से दांत साफ करो,
ब्रश पे पेस्ट लगाओगे तो कैंसर हो गया। तो अमेरिका के ज्यादातर दांतों के डॉक्टर ब्रश से दांत साफ करते हैं। फिर मैं उनको कहता हूँ आपका ब्रश तो बेकार है क्योंकि प्लास्टिक का है, भारत में ब्रश तो बहुत अच्छा है, करुण लिंगा जी का है क्योंकि वो भगवान का बनाया हुआ। तो वो कहते हैं कि हमारा देश का दुर्भाग्य है अमेरिका में करुण लिंगा झाड़ नहीं होता, भारत में भरपूर। तो अभी अमेरिका सरकार ने भारत से करुण लिंगा की काढ़ी खरीदना शुरू किया और अमेरिका में अभी काढ़ी बिकती है, $1 की 2 काढ़ी मिलती है, माने 20 रुपए की 1 काढ़ी अमेरिका फोकट में, जो यहाँ मिलती है ना गाँव गाँव में, जो फोकट में मिले ना तो हमें उसकी कीमत नहीं समझती। अमेरिका वालों को कीमत मांगती है $1 में 2 काढ़ी, माने 40 रुपए की 2 काढ़ी, वो भी सूखी हुई 3 महीने पुरानी। हमको ताजा मिलती है रोज तोड़ने से। तो आपको बहुत नसीब वाले हैं, बहुत समृद्धशाली हैं कि आपके घर के सामने फ्रेश टूथपेस्ट या फ्रेश करुण लिंग की काढ़ी मिलती है, तो डेली उसकी से दांत पीस। और करुण लिंग की काढ़ी नहीं मिले तो बाबुल की काढ़ी, ये सबसे अच्छी करुण लिंग के मंत्र बाबुल। और काढ़ी बिल्कुल ही नहीं मिले तो दंत मन दे, ठीक है, तो दांत बहुत अच्छे हैं। दांतों में क्या बीमारी आती है, कई बार आपने सुना दांतों में कीट लग जाता है, ये कीट उन्हीं को लगेगा जो टूथपेस्ट करने वाले। पेस्ट बंद कर दीजिए, करुण लिंग की काढ़ी करिए, दांत में कीट नहीं आए, और दंत मंजन करिए तो भी कीट नहीं आए, ठीक है। और दंत मंजन करने का सबसे अच्छा समय मालूम है कौन सा है, रात्रि को सोने से पूर्व। सकाळी जो हम दंत मंजन करते हैं ना, ये अच्छा समय नहीं, अच्छा समय है रात्रि को सोने से पूर्व दांत घिस के सोना, नियम ऐसा ही आप करेंगे, ठीक है। अभी दांत के रोग सब खत्म हो जाएंगे। अब कोई बोलता है दांत में दर्द है तो क्या करना, दांत के दर्द की स्वयं पाक घर में जो औषध है उसका नाम है लवंग। लवंग को घिसना पानी में पत्थर में, और घिसने के बाद जो उसका बनेगा ना चटनी जैसा, वो दांत पर लगाना। या तो लवंग का तेल आता है बाजार में, एक छोटी बाटी शीशी में लेना, लवंग का तेल कापूस में भर के दांत पे रख लेना, तुरंत दर्द ठीक हो जाए। और परमानेंट दांत का दर्द ठीक करना है तो उसका तो वही उपाय है, या तो दंत मंजन करिए, करुण लिंग की काढ़ी। जिंदगी भर दांत का त्रास ना हो इसके लिए और एक उपाय है, ऊस चबा के खाना, ऊस का रस नहीं पीना, ऊस खाना। दांत अच्छा रखना है जीवन पर्यंत तो एक ऊस रोज खाना, एक ऊस रोज खाने से दांत तो अच्छा रहने वाला है और बहुत फायदा होने वाला है। जो लोग रोज एक ऊस खाएंगे जिंदगी में कावड़ नाम का रोग उनको कभी नहीं आ सकता। कावड़ समझते, पीलिया, जॉन्डिस, कभी नहीं होगा। जो लोग रोज एक ऊस खाएंगे उनको कभी भी जिंदगी में नपुंसकता का रोग नहीं आ सकता। बहुत लोग ऐसे हैं ना जिनको विवाह हो गया, शादी हो गई, फिर भी बच्चे नहीं होते, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, ये वही लोग हैं जो ऊस नहीं खाते। कोई भी व्यक्ति रोज एक ऊस खाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता उसको कि बच्चा ना हो। और ऊस खाने से एक लाभ होता है कि कैल्शियम भरपूर है, फॉस्फोरस भरपूर है, शरीर में रक्त की कमी नहीं आती ऊस खाने से, और ऊस खाने से पेट बहुत अच्छा रहता है, संडास खुल के आती है। ऊस खाने से शरीर ऐसा ही होता है जैसा ऊस, ऊस पता क्या था, कड़क एकदम, तो ऊस खाओ तो आप भी कड़क रहोगे। रोज एक ऊस खाओ, और आपके यहां तो ऊस का भंडार है ना, तो रोज लोग ऊस खाने से दांत अच्छे हैं, खून अच्छा रहेगा, कावड़ नहीं होगा, पेट खराब नहीं होगा, संडास खुल कर आएगी, ऊस खाओगे रोज तो आंखों के त्रास भी नहीं आते जल्दी,
चश्मा नहीं लगेगा, उस खाओगे तो शरीर कड़क रहेगा, कड़क माने मजबूत रहेगा, मजबूत शरीर में जल्दी कोई रोग नहीं आता। ठीक है, अब कोई प्रश्न है तो पूछिए, दांत का और मुंह का। छोटे बच्चों के, छोटे बच्चों के एक बार दांत गिर जाते फिर दोबारा से आते हैं। जो गिरे हुए दांत हैं वो इसलिए गिर जाते हैं कि उनकी जड़ कमजोर रहती है हमेशा, तो ज्यादा मजबूत जड़ के दुआ कैसे होते हैं, बड़े 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 दांत होते हैं, पहले गिरने के बाद आते हो, पहले से खराब। अगर आप ये जान लो कि पहले से ज्यादा खराब दांत है, टेढ़े मेढ़े दांत है, हाँ ऐसे है, तो कैल्शियम बहुत कम है, कैल्शियम कम है, तो कैल्शियम की आपूर्ति करो तो फिर ठीक हो। कैल्शियम की कमी, तो कैल्शियम की पूर्ति करिए तो ठीक होंगे। और कोई प्रश्न? और एक मैं बोलता हूँ आपकी तरफ, दांत हमेशा सफेद रहे, चमकते हुए रहे, तो आप क्या करना, लींबू होता है ना लींबू, उसका रस निकालने के बाद जो बच जाता है छिलका, लींबू के छिलके को उलटना, अंदर वाला हिस्सा बाहर निकालना, थोड़ा सेंधा मीठ मिला के उसको दांत के जीवन अंदर, तो जीवन पर्यंत दांत चमकते रहेंगे, एकदम सफेद दांत, कभी भी पीले नहीं होंगे। चलिए, और कोई प्रश्न? गले की बीमारी, दूध के दांत तो गिर ही जाएंगे उसके पहले आ जाते हैं, तो इसमें एक बीमारी है और उसके लिए औषध की जरूरत है, और वो जिसको भी है वो उसके लिखा है होम्योपैथी के औषधा। अभी घसे का सबसे बड़ा जो त्रास है वो बच्चों को की औषध है, सबसे अच्छी हड़द, जो भी बच्चों को टॉन्सिल का त्रास है, दर्द होता है, डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन करो टॉन्सिल निकाल दो, उनको ऑपरेशन करने का जरूरत नहीं है, हड़द लेने का। हड़द कैसे लेगा, चम्मच में हड़द भरना और अंदर ले जाके उसको छोड़ दे मुंह में, अंदर हड़द का चम्मच मुंह में ले जाकर छोड़, फिर वो हड़द अपने आप नीचे जाए और थोड़ा उसके साथ लार के साथ नीचे जाए, सप्ताह में एक दिन करेंगे तो 3 सप्ताह में टॉन्सिल का रोग हमेशा के लिए ठीक हो जाए। बस इसमें इतना ही करना है कि चम्मच में हड़द भर के अंदर ले जाके छोड़ना, अंदर जीभ में नहीं, जहां से घसा शुरू होता है वहां छोड़। मार्केट में जो हल्दी मिलती है वो डुप्लीकेट है, उससे परेशान नहीं होता। हाँ, मार्केट में जो भी है वो बहुत कुछ डुप्लीकेट ही है, तो हड़द आपके गांव में है, खेत में से आई है तो अच्छी है, बाजार की हड़द में बहुत सारी मिलावट है, तो आपको गांव में रहते हैं हड़द खेत में से आई हुई मिल जाएगी वो ओके होगी। बिल्कुल सही है, जब तक टॉन्सिल ठीक नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा, हाइट ही नहीं, कुछ भी नहीं बढ़ता, ब्रेन भी नहीं बढ़ता, शरीर भी अच्छा नहीं होगा, इसलिए टॉन्सिल ठीक होना बहुत आवश्यक है, उसके लिए हड़द ही उपयोगी है। हाइट बढ़ाने के लिए बता दूंगा, अभी टॉन्सिल की बात हो जाए तो एक तो टॉन्सिल की बीमारी, दूसरी बीमारी खोखला,
खोखला। खोखले का स्वयंपाक घर में औषध है आंवले का रस। आल है ना आल, उसका रस लेना और उसमें पान का रस मिलाना। पान होता है, पान लोग खाते, पान का रस आंवले का रस दोनों मिक्स करना। निरंतर उसको गर्म करना कोमट, फिर उसमें मध मिलाना मध और उसको पीना। खोखला की सबसे अच्छी औषध आंवले का रस पान का रस दोनों मिक्स करना मिलाना, हल्का गर्म करना, निरंतर थोड़ा मध मिलाना फिर पीना। मध अगर नहीं है तो गुड़ मिलाना गुड़। अभी कितना लेना है, आधा चम्मच दाल का रस, आधा चम्मच पान का रस, आधा चम्मच मध, कितना लेना। और खोखला कितना भी पुराना है, 10 साल, 10 बरस, 15 बरस, 20 बरस, किसी से ठीक होता है। इसको सकारी अनुष्ठा पोटी लें। और एक दूसरा औषध है खोखला का, दाड़िम का रस गरम करके पीना। दाड़िम का रस गरम करके पीना खोखला के, 7-8 दिन में ठीक हो जाता, जास्ती से जास्ती 10 दिन। अब दाड़िम का रस कितना पीना है, अर्ध कप से जास्ती है।